नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं एंड गाइस यूट्यूब चैनल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और यूट्यूब चैनल में वीडियोस कैसे डालते हैं आपका फो प्रोफाइल फोटो कैसे डालते हैं नेम कैसे चेंज करते हैं आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हो तो इसी बात पर आप जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस सबसे पहले तो आपको YouTube चैनल बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो आपका यूट्यूब ही ओपन कर देना होगा अब दोस्तों हम जैसे ही यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और अगर आपने आपका YouTube चैनल पहले से है या फिर आपका कोई भी Gmail अकाउंट पहले से है तो आपको जो है एक न्यू जी अकाउंट बनाना है या फिर आप उसमें भी कर सकते हैं लेकिन अब जो है न्यू जी अकाउंट बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको ऊपर अपना जो चैनल का लोगो होगा वो दिखाई देगा तो आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है इस एरो वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है प्लस वाला ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको जो है सिंपली इस प्लस वाले ऑप्शन पे एक क्लिक कर देना है अब दोस्तों जैसे ही हम इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि चेकिंग इंफॉर्मेशन और यहाँ पे हमारा जो है फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो आपको जो है आपकी अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक होगा तो आपको फिंगरप्रिंट लगा देना है अब दोस्तों फिंगर प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे आपका जो फ़ोन का पासवर्ड होगा वो भी लगाना होगा क्योंकि जो है ये एक सिक्योर करने के लिए आपको जो है पासवर्ड लगाना होगा तो सबसे सब पहले तो हम ऐसे ही अपना हमारा जो भी होम स्क्रीन का पासवर्ड होगा उसे लगा देना है सो so गाइज यहाँ पे मैंने अपना होम स्क्रीन का पासवर्ड लगा दिया है और यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा चेकिंग इन्फॉर्मेशन तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है न्यू जी अकाउंट खोलना है ओपन करना है तो यहाँ पर आपको जी अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर टैप कर देना है अब दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर टैप करने के बाद आपको फॉर माई सेल्फ पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लिख देना है आपका जो भी चैनल का नेम लगाना होगा या फिर आप जो है टेम्परवरीली आप कोई भी नेम लिख सकते हैं तो क्योंकि आप जो है इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं सिंपली टैक और यहाँ पर हमने जो है लास्ट नेम में हम लिख देंगे काउंसिल सो गाइज अब जो है हमने लिख दिया है टेक काउंसिल और हमें यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें जो है सबसे पहले तो यहाँ पे इसे लोडिंग होने देना है और अब आपको सिंपली यहाँ पे जो है आपकी जो बर्थ बर्थ डेट एंड जो जेंडर होगा वो सब कुछ लिख देना है यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर तो मैं फटाफट से अपना जो भी है वो सबमिट कर देता हूँ सोगा तो अब जो है यहाँ पे आपको मे जेंडर को सिलेक्ट कर देना है अगर आप मेल हो तो मेल फीमेल हो तो फीमेल तो यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको जो है सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे हमारी बर्थ डेट और वो सिलेक्ट हो चुकी है अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा जी अकाउंट चाहिए यहाँ पर आपको चाहिए टैक काउंसल एटी या फिर काउंसिल टैक एट ऐसा जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको लिख देना है या फिर अगर आपको आपका खुद का क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली आपका जो है टैक काउंसिल लिखोगे तो यहाँ पर अगर आपका ईमेल अकाउंट जो है वैलिड होगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हम जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है नंबर डाल देंगे कुछ भी तो यहाँ पे मैं नाइनटीन डाल देता हूँ और यहाँ पे हम जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा जी अकाउंट जो है वो अभी अवेलेबल है तो यहाँ पे हमें जो है अपना पासवर्ड डाल देना है जो भी आपको पासवर्ड लगाना होगा तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना पासवर्ड डाल देता हूँ सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है सिंपली स्किप वाले ऑप्शन पे टैप करते जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको एग्री पे टैप कर, कर देना है अब दोस्तों जैसे ही आप एग्री करोगे तो यहाँ पे आपका जो न्यू जी अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जी अकाउंट जो है वो बन के रेडी हो चुका है और अभी यहाँ पे हमारा जी अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपका जो भी आपने अभी अभी जो जी अकाउंट को सिलेक्ट किया होगा उसे ओपन कर देना है सो so गाइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो न्यू जी अकाउंट है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर भी हमारा आ चुका है अब दोस्तों हमारा जी मेल अकाउंट तो बन चुका है लेकिन हमारा अभी तक चैनल नहीं बना तो चैनल बना के, के लिए भी आपको जो है आपका जो लोगो होगा उस पर टैप कर देना है और लोगो पे टैप करते ही यहाँ पे आपको योर चैनल पे टैप कर देना है अब दोस्तों योर चैनल पे टैप करते ही यहाँ पे आपको जो है आपके चैनल का जो भी नेम रखना होगा उस नेम को उस लिख देना है यहाँ पर और यहाँ पे आपको जो है क्रिएट अ चैनल पे टैप कर देना है सिंपली आप जैसे ही क्रिएट चैनल पर टैप कर देते हो तो यहाँ पर हमारा चैनल बन के रेडी हो जाता है अब दोस्तों आपको जो है चैनल पे वीडियोस डालने के लिए है सिंपली आपको क्या करना होगा यूट्यूब का जो लैपटॉप वाला वर्जन होता है उसे ओपन कर देना होगा तो उसे हमें कैसे ओपन करना है हमें यहाँ पे सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है और यहाँ पे आपको जो है सिंपली सर्च कर देना है यूट्यूब तो अब जैसे ही आप सर्च करोगे यूट्यूब तो हमारा यूट्यूब जो है वो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो इस रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है डेस्कटॉप साइट को ओपन जिससे कि हमारा लैपटॉप या फिर पी में जो जैसा हमारा यूट्यूब आता है वैसा ओपन हो जाए अब दोस्तों आपको YouTube में थंबनेल लगाने के लिए और जो भी आप YouTube में वीडियोस डालना चाहते हो उनके लिए आपको जो है सिंपली एक जो YouTube का स्टूडियो होता है उसे डाउनलोड कर देना है ऐप या और डाउनलोड ऐप को भी डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन को भी ओपन करना है तो एक्सटेंशन को ओपन करने के लिए आपको सिंपली आपके लोगों पर फिर से टैप कर देना है और यहाँ पे आपको जो है सिंपली यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है तब तो आपका यूट्यूब स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा और यहां पे हमें जो है सिंपली दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स है वो जीरो है और यहाँ पे हम जो है सिंपली इस वीडियोस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम अपलोड वीडियो पर टैप करके वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाता है मोनेटाइजेशन जिससे कि हम पैसे कमाते हैं तो उसके लिए हमें जो है इस डॉलर जैसा जो आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है अब दोस्तों डॉलर्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारे जैसे ही यूट्यूब चैनल पे एक हज़ार सब्सक्राइबर और चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है आपके यूट्यूब के द्वारा मोनेटाइजेशन का एनेबल हो जाएगा और मोनिटाइजेशन एनेबल होते ही आप जो है जैसे ही आपका हंड्रेड डॉलर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पेमेंट जो है वो आ जाएगा तो अब यहाँ पर आपको जो है आ, यहाँ से आपका चैनल का जो भी एनालिटिक्स होगा वो आपको दिखाई देगा अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आपके चैनल पे आ, फोटो लगाना है यानी कि जो प्रोफाइल फ़ोटो या फिर डीपी लगाना है तो आपको जो, जो है सिंपली यहाँ पे आ, सेकेंड लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो कि है कस्टमाइजेशन जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ब्रांडिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे अगर आपको चैनल का नेम बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं यहाँ पर आपको चले जाना है ब्रांडिंग पे अब दोस्तों ब्रांडिंग पे जाते ही अगर आपको यहाँ से आपके चैनल का लोगो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है जिससे कि आप आपके चैनल के लोगो को लगा सकते हैं यहाँ पे आप जो है आपके चैनल के बैनर को लगा सकते हैं यानी कि जो कवर फोटो होता है आपके सभी चैनल्स में उसे यहाँ से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है आपका जो वाटरमार्क दिखाई देता है आपको सभी के वीडियोस में वो भी आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आपके गैलरी में से जो भी फोटो लगाना होगा उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड गाइज यहाँ से आप जो है आपके वीडियोस को भी जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप जो भी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं वीडियोस को अपलोड भी कर सकते हैं तो इसके लिए आप जो है आपके यूट्यूब स्टूडियो वाले ऐप को डाउनलोड भी कर देना सो so गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल को वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच और आपके न्यू चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक